मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी आलू की मसाले वाले पूड़ी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप सूजी, दो मीडियम साइज के उबले मैश किए हुए आलू, एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक, एक छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, एक छोटी चम्मच अजवाइन और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम एक बर्तन में डालेंगे एक कप सूजी, आधी छोटी चम्मच नमक, एक छोटी चम्मच अजवाइन, एक चम्मच चिली फ्लेक्स, इसकी जगह पर आप लाल मिर्च का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे, एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ और साथ ही इसमें हम डालेंगे एक उबला मैश किया हुआ आलू। आलू को हमने बहुत ही अच्छे से मसल लिया है और इसमें एक भी गुठलियां नहीं होनी चाहिए। और इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच देसी घी। देसी घी की जगह पर आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। डालकर सूजी में हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहां देख सकते हैं सूजी में हमने आलू को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और जिस तरह हम डेली का आटा गूंथते हैं उसी तरह हम इसका आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। और ये सूजी का आटा बहुत ही आसानी से गूंथ कर तैयार हो जाता है। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी थोड़ी सी फूल जाए। 10 मिनट बाद हम इसे खोल देंगे और हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाकर आटे को हम चिकना कर देंगे। और अलग से एक बर्तन में निकाल देंगे। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आटे में से हम एक बड़ी लोई लेकर इसे हम रोटी के साइज के बराबर बेल देंगे। फिर हम एक कोई छोटी कटोरी या इस तरह का कोई ढक्कन लेकर इसकी हम इस तरह छोटी छोटी पूड़ियां कट कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरी भी बेलकर उसकी भी पूड़ियों को कट कर लेंगे। ये हमने अभी कुछ पूड़ियों को बनाकर तैयार कर लिया है और इतना आटा अभी बचा है जिसे कि हम फ्रिज में रख देंगे, जिसे कि आप फ्रिज में रख के बाद में भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए हम इन पूड़ियों को तेल में डाल देंगे। और पूड़ियों को हम अलटते पलटते हुए अच्छे से करारी होने तक सेकेंगे। आप देख सकते हैं पूड़ियां बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी होकर सिक गई हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल देंगे और बाकी बची पूड़ियों को भी हम इसी तरह सेकेंगे। ये हमारी बहुत ही टेस्टी सूजी आलू की पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसे बनाने में हमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगा है।
इस तरह आप सुबह बनाकर बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं या सफ़र में भी बनाकर ले जा सकते हैं। इसे आप आलू के रसेदार सब्जी या अचार के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।